में लगातार सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। चारों ओर से हमारा हिंदू समाज ही इन सब का सामना कर रहा है। ईसाई मिशनरी वाले भी चरम पर हैं, अपने बौद्धिज्म वाले भी हिंदुओं को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस्लामिक भी हिंदुओं को ही तोड़ करके मुसलमान बनाना चाहते हैं। ईसाई भी सब चारों ओर से लगे हैं। अभी उदय क्या नाम था, स्टालिन, पूरा नाम क्या था, उदय निधि स्टालिन का अभी पूरा भी नहीं हुआ था, उसके बाद अभी देख लो दूसरा बयान। ये पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, इनका बयान आया है कि गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, ये बोलना शर्मनाक है, डूब मरने की बात है। अरे भाई, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारे हिंदू संस्कृति में नदियों को माता कहकर बुलाते हैं। आपके यहाँ तो जिस गौ का दूध पीते हैं उस गौ को काट के मांस खा लेते हैं भाई, आपसे हम क्या आशा करेंगे। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति का आभार प्रकट किया जाता है। अपनी माँ ने तो साल भर दूध पिलाया होगा, लेकिन जिस गौ माता ने हमें जीवन भर दूध पिलाया है, उस गौ का मांस खाते हुए शर्म नहीं आती आपको, और जमुना मैया की जय बोलने में शर्म आती है, गंगा मैया की जय बोलने में आपको शर्म आती है, मत बोलिए। लेकिन आप हमारे हिंदू समाज को नहीं भटका सकते, क्योंकि हमको पता है इन नदियों में ही हमारी अस्थियां जाती है तो हिंदू समाज को मुक्ति मिलती है। अस्थि विसर्जन हम गंगा में ही क्यों करते हैं, क्योंकि गंगा मैया है, गंगा की जल से, जमुना के जल से लाखों लाख किसानों की फसलें होती है, जो अनाज आप खाते हैं। तो ये तो हमारा भारत का गर्व है, गौरव है कि ये गंगा भारत में ही है, आपके मदीना और काबुल में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। वहाँ वाले तरसते हैं, जब विश्व विजेता सिकंदर भारत आ रहे थे और उन्होंने अपने गुरु से पूछा था कि भारत जा रहा हूँ विश्व विजय पर, कहा क्या लाऊँ आपके लिए, कहा ला सकते हो तो गंगा जल ले आना, एक सन्यासी ले आना। सन्यासी लेकर तो जा नहीं पाए, गंगा जल भी लेकर नहीं जा पाए। तो एक बात याद रखना, ये गंगा मैया है, इसलिए हम लोग प्रेम से बोलेंगे गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। ये हमारे लिए कल्याणकारक है, जो गंगा गंगेत यो बुर्यात योजना नाम सतेरपि तस्य जो है सप्त जन्म कृतम पापम तस्य स्मरणेन विनश्यति। कोई गंगा 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 भी बोलता है, कोई 100 योजन दूर से भी, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि गंगा गंगा नाम लिए कितने तर गए, है ना, स्नान किए बैकुंठ सिधारे, कितने तो तरंग को निहारने से भी आदमी का मोक्ष होता है। ये गंगा वो है, पंडित राज जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी स्तोत्र लिखा और बैठ करके गंगा जी की सीढ़ी पर, जब काशी में काशी के विद्वानों ने उनका बहिष्कार कर दिया, तो पंडित राज जगन्नाथ जी गंगा जी के तट पर सीढ़ी पर बैठ गए और प्रार्थना किया गंगा लहरी स्तोत्र से। गंगा मैया बढ़ती चली गई, बढ़ते 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 इतना बढ़ी, और उसी समय में गंगा मैया ने उनको अपनी गोद में समाहित कर लिया। तो गंगा तो लाखों का कल्याण करने वाली है, भगीरथ के वंशों का उद्धार करने वाली है। तो आप भी जो है ऐसा करें, परंतु हिंदुओं को आप बरगलाने की कोशिश ना करें, यही मेरा कहना था।